लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाँ तो बोल चोपड़ा, तू गोली कैसा लेना पसंद करेगा? विस्की के साथ, सोडे के साथ, पानी के साथ? नहीं भाई। या फिर डायरेक्ट? नहीं येड़ा भाई, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? साला वो कमिश्नर के टाइम पे बहुत चर्बी आ गया था तुम लोगों को। नहीं येड़ा भाई, वो मैं। चल, 3 खोखा कैश, अपनी नई फिल्म का ओवरसीज राइट्स, होम वीडियो और म्यूजिक का कॉन्ट्रैक्ट लेके आ। चल जा। लाता हूं, लाता हूं भाई। क्या बोला था तू? हमारी मां के टुकड़े टुकड़े करेगा, हमारी बहन को उठाकर ले जाएगा? नहीं हैदर भाई, हाँ तो जफर सुपारी के भड़वे। चल, फैला दहशत मुंबई शहर में। अब धमका पुलिस वालों को। नहीं अर्जुन भाई। हाँ तो एड़ा, अब तू बता, तू गोली लेना कैसे पसंद करेगा? पानी के साथ, सोडे के साथ? विस्की के साथ? बोल। या फिर नहीं, डायरेक्ट नहीं, नहीं। मादरजात, राखी हमारी बहन है। तूने उसकी शान में गुस्ताखी नहीं की है, बल्कि खुद अपने कफन में मौत का आखिरी कील ठोका है। अर्जुन, बता दे दुनिया को कि हम भाई अपनी बहन की हिफाजत में जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। लगा अपने बॉस को फोन, लगा। छोटे, एड़ा का फोन है। हाँ एड़ा बोल। भाई, ये लोग एड़ा को मार डाला। बक नहीं रहा, हकीकत बयान कर रहा हूं। सफर सुपारी। कौन है तू? मां पो से। मां पो से? हां, महाराष्ट्र पुलिस सेवा। सफर सुपारी, नसीहत, आइंदा मर्दों की बारात लूटने
हिजड़ों की टोली कभी मत भेजना। याद रखना जफर, तुम जैसे गुंडों के लिए पुलिस से बड़ा गुंडा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। जफर सुपारी, एक आखिरी चेतावनी तेरे लिए, नो चार्जशीट, सिर्फ डी फाइनल यानी डेथ फाइनल। जय हिंद। हेलो। नमक हराम, तेरे राज में वो हराम ज्यादा अर्जुन रनावत एड़ा और मेरे आदमियों को कुत्ते की माफिक तड़पा तड़पा कर मार डाला, और तू सीएम की कुर्सी पर बैठकर अंडे दे रहा, अपने चूल्हे गरम कर रहा तू? नहीं नहीं भाई, वो क्या है कि बीच में मत बोल। अगर तूने उन पुलिस वालों का कोई गेम नहीं किया तो मैं तेरी पूरी नस्ल का गेम कर डालूंगा। मगर भाई वो मैं सुअर की औलाद, अगर 60 करोड़ में मैं सरकार बना सकता हूं तो 60 रुपए की गोली तेरे भेजे में उतार कर तुझे और तेरे पूरे खानदान को खलास कर सकता हूं मैं। क्या हुआ काशी जी, कौन था? बाप था मेरा, मेरी माँ का यार था जफर सुपारी। अबे यशवंत देश पांडे, तुझे पुणे से उठाकर यहाँ मुंबई का पुलिस कमिश्नर बनाया किस वास्ते है? अपने बाप की बारात में नाचने के वास्ते? बारात या खैरात में नहीं, पूरे 2.5 खोखे देकर बनाओ मुंबई का पुलिस कमिश्नर। हेलो सुना कुलकर्णी, ये साला अपने 2.5 खोखे को रोता है। अबे समझा अपने बाप को, वो एनकाउंटर स्क्वाड वाले जफर के आदमियों का गेम बजा डाले, तू क्या भजियता रहा था है? अब जा, जाके रद्द कर दे एनकाउंटर स्क्वाड, मेरे को बिल्कुल नहीं मांगता ये पुलिस का दस्ता, समझा कि नहीं? सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है काशी जी। तो फिर क्या है तेरे हाथ में है? बाबा जी का घंटा। अरे मैं क्या इस देश का गृह मंत्री हूं? कहा ना सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, इसमें डीजी और सेंट्रल होम मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। ऐसे उबलने से काम नहीं होगा, जो कुछ भी करना है सोच समझ के होशियारी से करना होगा। काशी जी, सबसे पहले तो अर्जुन राणावत का, और उससे भी पहले हैदर अली का सोचो। हैदर अर्जुन की आंख और कान दोनों है, पूरा मुखबिर नेटवर्क वो हैंडल करता है। हैदर गया तो समझ लो कि अर्जुन की रीढ़ की हड्डी टूट गई। यू आर राइट काशी जी, हैदर का इंतजाम मैं करूंगा, उसकी जात को मुद्दा बनाकर मैं उसके तबादले की कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, तबादला करो, तबादला, और वो भी जल्दी। अबे ओ देशपांडे, तू तो यार बिस्तर पे पड़ी 16 साल की लौंडे की तरह घबरा रहा है। देख, जबकि मैं इस प्रदेश का डेप्यूटी सीएम, बड़े भैया सीएम हो तो वो 2% का एसीपी, क्या उसका नाम वो अर्जुन राणावत और उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट हमारा क्या घंटा उगाड़ लेगी? अखबार नहीं पढ़ते क्या? नहीं पढ़ते तो पढ़ना शुरू कर दो। एक जायसवाल रिपोर्ट के लीक हो जाने से एक डीजीपी, एक कमिश्नर और दर्जनों ऑफिसर सर रहे हैं कस्टडी में, घंटा उखड़ चुका है उनका, समझे? और सुनो काशी जी, हमारे और अंडरवर्ल्ड के तालुकात पर अर्जुन एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है, अगर उसने हमारी जड़ें खोदना शुरू कर दी तो वो खुदाई हमारे और अंडरवर्ल्ड के नेक्सस को खोद के रख देगी। उस रिपोर्ट को किसी भी कीमत पर हासिल करो काशी जी, अगर वो फाइल दिल्ली तक पहुंच गई तो हम सब होंगे सलाखों के पीछे, और कहीं अगर बद्री, जाली दस्तावेज जो हमारी प्रिंटिंग प्रेस में छप रहे हैं ना, कल हमें मिल जाने चाहिए। जी भैया। और हाँ, रहा सवाल अर्जुन राणावत की रिपोर्ट का, तो कल वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री काशीनाथ त्रिवेदी की मेज पर होगी। तो
May I come in, sir? Encounter specialist? Ow. कुछ याद आया एसीपी अर्जुन राणावत? हम कहे थे ना तो से एक दिन हम ई कुर्सी पर बैठेंगे और तू हमें सलाम करेगा, याद आया? ये गलतफहमी है तुम्हारी काशी त्रिवेदी। मैंने संवैधानिक पद इस कुर्सी को सलाम किया है, तुम्हें नहीं, क्योंकि इस कुर्सी पर बैठने वाले तो आते जाते रहते हैं। लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा हैं? तेरे उस कमिश्नर का तो मैंने तबादला करवा ही दिया। गढ़चिरौली, महाराष्ट्र आंध्रा बॉर्डर, नक्सलवादी इलाका, यहां पानी की बूंद तक नसीब नहीं होगी। सिर्फ आतंकवादियों की गोलियां चारों तरफ बरसती रहेंगी। मौत से खेलना समर सिंह की जिंदगी का अंदाज है, लेकिन तुझ जैसे पढ़वे ये बात क्या समझेंगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें इस कुर्सी पे टिके रहने के लिए हर 2-5 सालों में कटोरा लिए वोटों की भीख मांगनी पड़ती है, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि जिस मुकाम पे मैं हूं मैं वहां अपनी काबिलियत से चुना गया हूं। अपनी औकात में रह, आज से हम तेरे मालिक और तू हमारा नौकर। नौकर मैं जनता का हूं, किसी के बाप का नहीं। आई एम अ पब्लिक सर्वेंट एंड सो आर यू। काम की बात कर, मुझे यहां क्यों बुलाया है? तो फिर सुन ले, गृह मंत्रालय मैंने अपने पास रखा है, इसलिए हम आदेश देते हैं। मुंबई के माफिया सरगनाओं की जानकारी का ये जो तूने डाटा बैंक तैयार किया है ना, ये मुझे दे दे। जानता था जिसके तलवे चाट कर तू उस मकाम पर पहुंचा है उसका बही खाता तू मुझसे जरूर मांगेगा। ये ले, संभाल के रख। कॉन्फिडेंशियल ये है असल। बहुत मेहनत की होगी तूने इसे बनाने में ना, मगर देखा, एक ही झटके में हमने इसे जलाकर खाक कर दिया। क्यों भैया, दिल तो बहुत दुखता होगा तुम्हारा, नहीं? नहीं, दिल तो बाप का दुखेगा चीफ मिनिस्टर साहब, और शायद दोहरा भी पड़ जाए, क्योंकि इसकी एक कॉपी सेंट्रल होम मिनिस्ट्री, दूसरी कॉपी प्रेसिडेंट्स ऑफिस, और तीसरी कॉपी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तेरे माफिया पाप बच नहीं पाएंगे। सफर सुपारी के तले। क्या कहा तूने? मुझे दल्ला कहा? मुझे काशी को दल्ला कहा? मुख्यमंत्री को दल्ला कहा? 2 कौड़े के पुलिस अफसर तेरी औकात के? क्या औकात है तेरी? काशी त्रिवेदी, इस उम्र में जब हड्डियां टूटती हैं तो बड़ी मुश्किल से जुड़ती हैं। हाथ नीचे कर। अब मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूं। मंत्री को मारा,
मुख्यमंत्री को मारा तूने? नहीं, एक देशभक्त, ईमानदार जनता के नौकर ने एक देशद्रोही, बेईमान जनता के नौकर को मारा है। काशी त्रिवेदी, अर्जुन रणावत नाम है मेरा। मैं मौत को तकिया और कफन को चादर बनाकर ओढ़ता हूं। जय हिंद।